मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थ्योंतर नगर पंचायत क्षेत्र निवासी डॉक्टर रागिनी मिश्रा ने पूरे मध्य प्रदेश के परीक्षा परिणाम में पहला स्थान हासिल कर पूरे पंचायत समिति जिले का नाम रोशन किया है। इस सफलता के बाद रागिनी ने अपने अभिभावक एवं अपनी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। बता दें कि रागिनी मिश्रा अपने स्कूल के दिन से अब तक हमेशा ही अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान हासिल करती आई है। इस दौरान रागिनी मिश्रा के पिता श्री राम बिहारी मिश्रा ने उत्साह और हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी बेटी हमेशा ही पढ़ाई में अव्वल थी और मैंने कभी भी अपने बेटे और बेटी के बीच भेदभाव नहीं किया, हमेशा ही दोनों को बराबर का दर्जा दिया और इसका परिणाम आज हमारे सामने है। उन्होंने आगे कहा कि बेटी ने उनका, उनके परिवार का और पूरे जिले का नाम रोशन किया है, उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। वहीं रागिनी मिश्रा के इस उपलब्धि पर नगर पंचायत के अध्यक्ष कृष्णावती शुक्ला एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विद्यासागर शुक्ल ने घर पहुंचकर मिठाई खिलाते हुए बधाई दी। वहीं रागिनी के इस उपलब्धि पर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी, राम बिहारी मिश्र, प्रवेश सिंह, शिवसागर शुक्ल, अनुराग मिश्रा, आशुतोष शुक्ल पत्रकार सहित नगर एवं समाज के लोगों ने भी बधाई प्रेषित की है। हाल ही में कल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा परिणाम की रिजल्ट जारी हुई, जिसमें आपने प्रथम स्थान हासिल किया है। इस विषय पर पूरे प्रदेश से लेकर त्योंथर तहसील, त्योंथर नगर के लोगों ने आपको बधाई दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। अभी कल MPPSC वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एग्ज़ाम 2023 का रिजल्ट घोषित हुआ है और उसमें मैंने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है और मेरी जो सफलता है उसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने भाई बहन और अपने पति और अपने गुरुजनों और जो भी मेरे सहपाठी सहयोगी, जो भी जिन्होंने भी मुझे किसी भी क्षण पे सपोर्ट किया, उन सभी को देना चाहूँगी। आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, इसके पीछे का राज क्या रहा है, सक्सेस स्टोरी आपकी क्या थी? सक्सेस स्टोरी कुछ नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत मेहनत की है। एग्ज़ाम तो अभी दिया है लेकिन शुरुआत से ही, मैंने जब से अपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आई थी तब से ही मैंने मेहनत की है और मैं अपने BBSC & EH में भी मैंने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक लाया था और मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट बनी थी और उसके बाद मैंने अपनी हायर एजुकेशन IVRI इज्जतनगर बरेली से की, जिसमें PG और PhD मैंने वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में किया है। तो मेरा सफ़र कभी मेरा पढ़ाई से ख़त्म नहीं हुआ, मैं हमेशा ही लगी रही और अभी ये जो रिज़ल्ट आया है तो वो उसी सारे जो जॉइंट एफर्ट्स मैंने हमेशा देते आई हूँ उन्हीं का परिणाम है। आगे के लिए अपने त्योंथर नगर एवं पूरे प्रदेश की बेटियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा जो संदेश है वो नगर के अभिभावकों के लिए ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में उतना नहीं आगे जाने देते। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको भी अपने बेटों के बराबर, जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे आगे ले जाके अपने भैया से ज़्यादा पढ़ाया है, वैसे ही आप भी अपनी बेटियों के लिए ऐसे ही करें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। हाल ही में कल एक रिजल्ट घोषित हुआ जिसमें आपकी बेटी ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। आपकी बेटी के रिजल्ट पर पूरे प्रदेश के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त की है, कैसा लग रहा है आज आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। बेटी की इस उपलब्धि पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बेटी हमारी जो है शुरू से मतलब प्राथमिक से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। आपकी बेटी रागिनी मिश्रा ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, उस पर सभी जो लोगों ने हर्ष ज्ञापित किया है, आप उनकी माता श्री हैं, कैसे देखती हैं इस पूरी घटना को? इस घटना को देखते हुए मतलब इतनी खुशी हो रही है सबको और हम लोग भी बहुत खुश हैं, कम से कम ये अपने मतलब मेहनत का रंग लाई है पूरे प्रदेश में, अपने मध्य प्रदेश में सबका गौरव बढ़ाया है। आप एक शिक्षिका भी हैं और शिक्षिका के साथ आपने अपनी बेटी को इतना बड़ा मुकाम हासिल कराया है, इसके पीछे का राज क्या रहा? हो गया, इसके पीछे का राज ये था कि ये है कि बच्ची हैं, बच्चियों को मतलब आगे बढ़ने के लिए हमने बहुत कोशिश की कि कम से कम हमारी बच्ची हमारा गौरव बढ़ाए और अपने गांव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें।